भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए इष्ट पद की प्राप्ति हो इसे तो इष्ट का उपदेश दे रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे एक बड़ी मछली किसी मछुआरे के जाल में फंस जाती है तो जम के नहीं खींचता, स्वयं खिंच जाता है, ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी धीरे धीरे तट पर खड़े होकर के इन सभी मछलियों को संसार समुद्र से खींच के बाहर ला रहे, एकदम धीरे धीरे, जल्दी नहीं, एकदम धीरे धीरे। पिछले दिनों चर्चा हुई थी भोगों भोग के लिए मत भागना, वो भी रोग ही है। जो इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रिय सुख की, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति की भावना है वो स्वयं पाप है, क्योंकि बिना आरंभ के इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। आज पूज्यपाद स्वामी और कह रहे हैं, और जिस जो भोगों भोग करता है, कौन जो भोगों भोग करता है, वो तुम्हारा शरीर स्वयं महा अपवित्र है, तुम उसको क्या पवित्र कर पाओगे और क्या दे पाओगे। जो स्वयं बंद का कारण है पंडित जी, उसके लिए भोगों भोग की सामग्री क्या देना। आज एक प्रश्न करते हैं आपसे, जो व्यक्ति आपके लिए अहर्निश अहित सोचता हो, जो व्यक्ति आपके लिए अहर्निश अहित सोचता हो, उसकी कितनी संगति रखोगे। जैसे एक शत्रु है वो अहर्निश आपके बारे में बुरा सोचता है, अहर्निश सुबह से शाम 24 घंटे, उसकी संगति कब तक करोगे, बोलो पंडित जी। बैठे आप तो उसने सुई लगा दी कि बैठो, आप अंदर गए और आपकी गाड़ी पंचर कर दी, पता है कि यही कर रहा है, और जान करके आप उसका साथ देते हो, आप प्रतिबुद्ध तो नहीं हो, अभी आप प्रतिबुद्ध तो नहीं हो। पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाहते हैं, जो तेरा साथ दे रहा है उसका साथ दो, जो तुझे धोखा दे देगा उसका साथ मत दो। ये जो शरीर है ये आपको धोखा दे देगा, इसका साथ मत दो, और जो जितना साथ दे रहा है उसका उतना साथ दो। पंडित जी बहुत गजब की बात कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, ये श्लोक पढ़ लेते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। श्लोक क्रमांक 18 में कह रहे हैं कि ये जो शरीर है कैसा है, बहुत सुंदर है ना आपका शरीर, सभी का बहुत सुंदर है, हम गोरे हैं, कोई कह रहा हम सांवले हैं, कोई कह रहा हम लंबे हैं, कोई कह रहा हम मोटे हैं। देखो पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, भवन्ति प्राप्यत संग मसुचिनी सुचिन्यपि साकाया संतता पायस तदर्थम प्रार्थना वृथा, तदर्थम प्रार्थना वृथा। कामना उसकी करो जो साथ में रहे, ऐसा काम ना करो जो साथ ना दे, और ऐसी कामना भी मत करो जो काम बिगाड़ दे। भवन्ति प्राप्यत संगा, जिसका संयोग प्राप्त करके सुचिन्यपि सुचि द्रव्य भी असुचि हो जाता हो, ऐसे उस शरीर को सदा जिसको क्षुधा आदि की तृषा लगी रहती हो, दुखों से पीड़ित रहता हो, ऐसे शरीर को भैया उसकी
पवित्र करने की कामना कभी मत करना, वो कभी पवित्र नहीं हो पाएगा, कभी तृप्त नहीं हो पाएगा। ना मानो तो आप देखो, विश्व का सबसे पवित्र द्रव्य गंधोदक, और गंधोदक हाथ में लिया और जैसे ही आपने मस्तिष्क पर लगाया, गंधोदक संज्ञा समाप्त। सही है पंडित जी? बीच में एक बात पूछते हैं, सुदर्शन पंडित जी प्रतिष्ठाचार है ना अपने, पंडित जी ये गंधोदक लगाने के पहले तो हाथ धोता है व्यक्ति, गंधोदक लगाने के बाद क्यों धोता है? और वो धोता जिसमें वो भी गंधोदक हो जाएगा फिर, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। फिर वो जहां जहां उसने गंधोदक लगाया है वहां वहां भी उसको फिर वो लगाना चाहिए। और अपने पास तो डिक्शनरी है पंडित जी, गंधोदक कहां कहां लगाना चाहिए बड़ा विवादित विषय है। सही है? कल जब भक्तामर जी का पाठ हो रहा था वहां पर अंजनी नगर में, पंडित जी वहां भी अच्छी प्रभावना चल रही, निरंतर लोग भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, साधु की सेवा भी कर रहे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, अब बहुत अच्छा है। 45वें काव्य का जो पढ़ा तो शब्द समझ में आया, उद्भूत भीषण जलोधर सोचाम दशा मुपगता च्युत जीवित आशा। तीसरी पंक्ति बोलो आपका उत्तर मिल जाएगा, बस। तदपाज पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, दिग्ध का मतलब, दिग्ध का मतलब बोलो, हाँ वाह पंडित जी, सब अपने मन का अर्थ कर देते हैं। आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, कल पता करके आना 45वें काव्य में दिग्ध देहा का क्या मतलब है, फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। किसी पंत से ग्रसित मत होना, हमें तो तत्व का निर्णय करना है। ये शरीर का मेरे साथ अत्यंता भाव है, फिर भी देखो जीव इसमें कैसा अनन्य भाव लाता है। शरीर छोड़ो, कपड़े पर चले जाओ, अभी कोई और अशोक जी खासगी वाले की शर्ट से चश्मा पहुंच दे गंदा, सोले भाई क्या कर रहा है, स्वयं अपने ही शर्ट से, अरे नाक आती तो धीरे से ऐसे करता आदमी दुपट्टे से, और कोई पहुंच ले और तो, अरे रे 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 हमारे कपड़े गंदे कर दिए, जैसे तुम्हारे शरीर से अमृत टपक रहा हो। ये शरीर से जैसा कपड़ा अत्यंत भिन्न है, ऐसे ही आत्मा से शरीर भी भिन्न है, अत्यंता भाव ही है। लगता है कि संबंध एक में एक हो चुका है नहीं। पंचास्तिका में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अन्नोनम पविसंता दिनता ओगास मनन्न मन्नसा मेलंता वियनिचम सग सग भावम न विजहंती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करके भी अन्य अन्य ही है, एक में एक नहीं हुआ, एक में एक नहीं हुआ। देख लो आप, शरीर और आत्मा को देखो, एक में एक लगती कि नहीं, नहीं लगती है कि नहीं, बताओ पंडित जी। जहां अभी ये लोग बैठे हैं यहां कितने द्रव्य हैं? छह ही द्रव्य हैं। देखो आप जहां बैठे हो आजाद जी, आजाद नहीं हो, वहां छह ही द्रव्य हैं अभी, वहां जीव द्रव्य है आपका, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, और कितने जीव बैठे वहां पर,
आपके ही प्रदेशों पर है, और पुद्गल परमाणु एक दूसरे में प्रवेश करके बैठे हो, लेकिन एक दूसरे को प्रवेश दिख रहा है नहीं। रितेश भाई, एक सोने का कुंडल अंगूठी बनवाना, ठीक है, अब देखना वो जो सोने की अंगूठी बनी है शुद्ध सोने की नहीं है, फिर भी टांका सोने रूप दिख रहा कि नहीं है, क्या तपा दो अभी तो। दूध और पानी, व्यक्ति को लगता है हमने दूध पानी मिला लिया, हाओ तुम्हें लग रहा है, जैसे ही अग्नि का संयोग मिलेगा सारा दूध दूध पानी पानी नहीं हो जाएगा। इसलिए पूछ पाछ स्वामी कह रहे हैं, भैया इस शरीर से आकर्षित मत हो जाना, इस शरीर से आकर्षित मत हो जाना, शरीर तुमसे अन्य ही था, अन्य ही है, अन्य ही रहेगा। और बढ़िया, आप कितनी सुंदर क्रीम लगाओ, कितना ही सुंदर पाउडर लगाओ, नहीं होगा, सब शरीर आपका स्वच्छ नहीं होगा, और जो जो इसके संपर्क में आएगा वो अस्वच्छ और हो जाएगा। नहीं तो देख लो सार्थक, रसगुल्ला पसंद है, हाँ मिठाई में क्या पसंद है, बोल। लड्डू, एक लड्डू ऐसा रखना हाथ में, खा लो, चबाओ, भुटकना नहीं अभी, चबाओ और चबाओ, इस हाथ में निकालो। अरे घबरा मत तू, प्रैक्टिकल समझ भाई, निकाल इस हाथ में, निकाल निकाल, अब देख खा ले, लड्डू की चटनी बन गई, खा के खा ले ना, देख भाई वही तू यहां से नीचे कुटकने वाला था, मुख के बाहर वही तो चीज आई ना, फिर खा ले, नहीं हो पाएगा। देखो पंडित जी, वही चीज गुटक रहा है और वही चीज मना कर रहा है, क्यों भाई क्यों मना कर रहे हो, हैं? अरे दिख गई है इसलिए मना कर रहे हो, वरना खाते रहते कोई क्या बात है। कभी सुनो, एक कांच की बर्नी रखना, कांच की बर्नी, और जो आप यहां खा रहे हो वहां सब एक भरते जाना बर्नी में, दो रोटी खाना फिर एक कोल्ड ड्रिंक फिर उसमें आइसक्रीम डालना, दिन भर में कॉफी पी दियो वो डालना, शाम को उसकी हालत देखना कैसी होगी, जैसी तुम्हारे पेट की है वैसी ही होगी, और फिर उसमें थोड़ा सा गुटखा मिला लेना और क्या पंडित जी, फिर जब थोड़ा कुछ चटर पटर तो एक आध दो फुलकी और डालते जाना, डालते जाना, देखना कि उसमें हो क्या रहा है, वो जो परिणमन उसमें चल रहा है वही तुम्हारे पेट में चल रहा है। जिसको सुची करने का सोच रहे हो उसको कभी सुची नहीं कर पाओगे, इसलिए शरीर आपका साथ तो देता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब है शरीर साधना करने का माध्यम है। सुनो पंडित जी, शरीर आद्यम लिखा है, शरीर साधना का आद्य साधन है, ये माध्यम पे ले गए, संस्कृत भी पढ़ लो, धर्म की साधना का आद्य साधन कोई है तो शरीर है, इससे उतना ही काम लो और इतना ही दो जितना जरूरी है। गाड़ी देखी आपने, कार हो चाहे एरोप्लेन हो चाहे बाइक हो, हवा कितनी भरते हो बताओ, हाँ हवा कितनी भरते हो, जितनी
जरूरी हो। अच्छा फोन तो आप सबके पास है, उस फोन को 24 घंटे क्यों नहीं चार्ज में लगा के रखते हो? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ खत्म हो जाएगा फोन पर जब, ऐसे ही शरीर है उसको दिन में एक बार दो, अधिक से अधिक दो बार दो, वो भी दिन में, रात में नहीं। बस ज्यादा सेवा करोगे तो ज्यादा सेवा मांगेगा, जितना साथ दे रहा है तुम भी शरीर का उतना ही साथ दो। माँ कहाँ जीव श्रृंगार में जा रहा है, अब तो सोले के श्रृंगार की व्यवस्था हो गई पंडित जी, सोले की लिपस्टिक, सोले का नेल पेंट। एक सज्जन को, एक माँ को हमने चौके से बाहर किया, सो कह रही थी महाराज जी सोले की है, प्रोडक्ट का नाम बता करके, सोले की है महाराज जी, श्रृंगार कभी सोले का नहीं होता, और जो श्रृंगार में वो कभी सोले में नहीं होता। मंदिर जाओ तो अभिषेक पूजन करो तो तेल लगा के मत जाना, श्राव का चार में इसका भी निषेध है। जो अभिषेक पूजन कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट, पंडित जी सही है कि नहीं? देखो भैया हमसे नहीं पूछना, आप तो श्राव का चार खोल के देख लेना अपन इताए उताए की नहीं, इनकी उनकी नहीं, जिनकी कहते हैं। जो आप श्रृंगार कर रहे हो किसका कर रहे हो? देखो थर्ड क्लास क्वालिटी का टीका लगाओ तो क्या होता है,